15 अगस्त आ रहा है, हमारा 15 अगस्त कब आएगा? प्रोग्राम होगा ना? गुजरात में नहीं बेटा, बाहर जाकर करो। 150 साल पहले मोती चोरी हो गया था, वो मोती इसी घर में है। जी पे कर दो। पुलिस बार आखिर पे क्या देखा, भाई बहन के गाल पे एक एक लगा देती। तुम्हें यहाँ लाने के पीछे मेरा एक मकसद है। हमारा मिशन बुरी तरह से फेल हो गया। जब से मैंने वो मोती खोया है, मेरी ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है। कितना खतरनाक होगा ये? तो लीजिए, एक बार फिर से आ गया है फ्राइडे का एंटरटेनमेंट का दिन, जब हमें बहुत सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिलता है और उसके साथ ही सरप्राइज रिलीज भी बहुत सारा कंटेंट किया जाता है जो हमें आज के दिन में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वालिटी को छोड़ के आज के दिन में क्वांटिटी में हिंदी में रिलीज हुआ है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसी बढ़िया जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वो नीचे लाल रंग वाला सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिसमें सबसे पहले ड्रामा सीरीज देखने वाले फैंस के लिए अमेज़न की ओर से एक बढ़िया चाइनीज रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है द स्टारी नाइट, जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 की है और इसके कई सारे एपिसोड्स अभी अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसे अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया था, जिसमें हमें एक फैंटेसी वाली लव स्टोरी की कहानी देखने को मिलने वाली है और एक लड़की जो एक छोटे से आइलैंड पे रह रही होती है, जिसे अभी एक बंदे से प्यार होने वाला है, तो उसके बाद उनके प्यार की कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस फैंटेसी और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाने वाला है। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से एक बढ़िया वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है टू क्लोज, जो एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, और अभी आज से ये वेब सीरीज हमें VR OTT के प्लेटफॉर्म पे बिना किसी रेंटल पे देखने को मिल रही है, मतलब के नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के साथ ही, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 की है। तो बढ़िया IMDb रेटिंग के साथ ट्राई करना तो बनता है, जिसे हॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउस AMC की ओर से बनाया गया है। इसके बाद आज के दिन में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से एक सरप्राइज दे दिया गया है हिंदी डब वेब सीरीज को रिलीज करते हुए, जो है साउथ की एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज माई परफेक्ट हस्बैंड, जो एक ओरिजिनल तेलुगु वेब सीरीज है, जिसे अभी आज के दिन में साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, और कहानी हमें एक मिडिल एज कपल की देखने को मिलने वाली है और उसके साथ ही कुछ और भी लव स्टोरीज, जिनको इस वेब सीरीज में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जिसके सभी एपिसोड्स अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद आज के दिन का सबसे बड़ा सरप्राइज है अमेज़न की ओर से बनाई जा रही एक बढ़िया फैमिली कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज, यह है मेरी फैमिली सीरीज, जिसके सीजन 4 को भी अभी आज के दिन में ही रिलीज कर दिया गया है, जिसके सभी एपिसोड अभी आज के दिन में ही अमेज़न मिनी टीवी पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसे अमेज़न मिनी टीवी के साथ साथ MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं, जो भी गुल्लक या फिर पंचायत वेब सीरीज के जैसे ही एक बढ़िया दिल को सुकून देने वाली वेब सीरीज है, जिसे आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जिसमें हमें एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी देखने को मिलती है। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही गुजराती सिनेमा की ओर से एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है ट्रिशा ऑन द रॉक्स, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 की चल रही है, और बढ़िया बात है कि इस मूवी को गुजराती के साथ साथ हिंदी डब में भी थिएटर में रिलीज किया गया था, तो ये मूवी अभी आज से सरप्राइज रिलीज कर दी गई है अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे, जिसे अभी कल शाम से ही अवेलेबल कर दिया गया था, जिसमें कहानी हमें ट्रिशा नाम की एक लड़की की देखने को मिलती है, जिसे एक पार्टी में विशाल नाम के लड़के के साथ प्यार हो जाता है, तो उसके बाद उनके प्यार की कहानी कैसे हंसते हंसाते हुए आगे बढ़ती है वही हमें इस बढ़िया मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो अभी गुजराती एंड हिंदी लैंग्वेज में अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। ये भी आज के दिन का एक बढ़िया सरप्राइज है आपके लिए। इसके बाद आज के दिन में ही एक नई हिंदी वेब सीरीज देखने के लिए मिल रही है, जिसका नाम है फ्लाइट अटेंडेंट, जो एक रोमांटिक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, और कहानी हमें इस टाइटल के जैसे ही एक फ्लाइट अटेंडेंट की देखने को मिलने वाली है, मतलब के एयर होस्टेस की, और कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की के मेकआउट करने के बाद सुबह लड़के की हुई मौत से, जिसके बारे में उस लड़की को कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि जब वो सोके उठती है तो लड़का मरा हुआ पड़ा होता है फर्श के ऊपर, जिसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस सीरीज की कहानी में पूरी डिटेल में दिखाया जाने वाला है, जो वेब सीरीज हंगामा के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से बनाई गई है और अभी हंगामा के OTT प्लेटफॉर्म पे ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे आप ट्राई जरूर कर सकते हैं बट इतनी ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद लास्ट मंथ जुलाई में अनाउंस की गई थी सोनी लिव की ओर से
उनकी एक बड़ी हिंदी वेब सीरीज चमक का सीजन 2, जिसे काफी टाइम पहले ही अनाउंस कर दिया गया था 16 अगस्त को सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले ही कुछ अपडेट्स मिलनी शुरू हुई कि ये वेब सीरीज डिले होने वाली है। बट 100% कंफर्म नहीं था, लेकिन आज के दिन में अभी ये कंफर्म हो गया है। तो ये वेब सीरीज अभी ऑफिशियली डिले हो चुकी है, जो अभी हमें आज के दिन में नहीं देखने को मिलने वाली। बाकी इसकी नई रिलीज डेट क्या होने वाली है उसके बारे में अभी तक कोई सोनी लिव की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जिसके बारे में जब भी कुछ पता चलता है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा, जो एक्सपेक्टेड है कि हमें नेक्स्ट मंथ में ही देखने को मिलेगी या फिर अभी से 2 हफ्ते बाद। इसके बाद हॉलीवुड की ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई एक बढ़िया एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है अभी, जिसका नाम है डिस्पिकेबल मी का पार्ट 4, जो भी आज के दिन की एक बड़ी मस्ट वॉच हिंदी डब मूवी है, जो अभी ओनली रेंटल बेसिस पे ही बुक माई शो स्ट्रीम पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें क्यूटी क्यूटी से मिनियंस की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसे मैं तो जरूर आज के दिन में देखने वाला हूँ, तो आपको भी इस मूवी को मिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक नई हिंदी रियलिटी टीवी शो सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है डार्क स्क्रोल, जो एक हॉरर रियलिटी टीवी शो सीरीज होने वाली है, और अभी ये सीरीज हमें 16 अगस्त से ही जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से देखने को मिलने वाली है, जिसे एमटीवी की ओर से बनाया गया है और जियो सिनेमा पे भी एक साथ ही अवेलेबल कर दी जाएगी, जिसमें हमें कुछ पार्टिसिपेंट्स एक हॉरर हाउस में जाते हुए देखने वाले हैं और उनको कौन से टास्क दिए जाते हैं वही हमें इस रियलिटी टीवी शो सीरीज में डराते हुए दिखाया जाने वाला है। इसके बाद 16 अगस्त को ही नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज की जाने वाली है, जिसका नाम है द यूनियन, जिसमें मार्क वेलबर्ग हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं और कहानी हमें एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की देखने को मिलने वाली है, जो बहुत टाइम बाद अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलने वाला है, जो अभी एक बड़ी स्पाई एजेंट होती है और वो अभी इस कंस्ट्रक्शन वर्कर को अपने सीक्रेट मिशन में शामिल करने वाली है, जिसके बाद कहानी एक्शन और थ्रिल के साथ हंसाते हुए आगे बढ़ने वाली है। जैसे अभी 16 अगस्त से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी ड्रामे भी रिलीज कर दिया जाएगा, जो डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली एक नई मूवी है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में एक बढ़िया सस्पेंस ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है द ब्लाइंड, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.2 की है, और अभी यह मूवी 16 अगस्त से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, और कहानी हमें एक ऐसे कपल की देखने को मिलने वाली है जो फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन अभी वो बंदा एक रियलिटी टीवी स्टार बनने वाला है तो उसके बाद उनकी जिंदगी कैसे बदलती है वही हमें इस मूवी की कहानी में सस्पेंस और रोमांस के साथ दिखाया जाने वाला है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग भी 6.2 की काफी बढ़िया है, जो अभी कल से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद साल 2022 में थिएटर में रिलीज हुई थी एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री एडवेंचर थ्रिलर मूवी द री क्वीन, जहाँ पे एक कपल अभी छुट्टियां बिताने के लिए एक आइलैंड पे गया होता है और समंदर किनारे एक विला में रुके होते हैं, जहाँ पे एक बड़ा तूफान आ जाता है और सुबह जब वो अपने आप को देखते हैं तो चारों ओर समंदर के बीचों बीच पाते हैं और वहाँ पे उनके ऊपर शार्क अटैक होने वाला है, जो अभी हमें 16 अगस्त को इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद एक और नई बढ़िया 18+ एडल्ट इरोटिक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है द हाउसमेड, जो एक बढ़िया साउथ कोरियन 18+ एडल्ट वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग भी काफी बढ़िया है 6.4 की, और ये मूवी भी अभी हमें 16 अगस्त के दिन से ही बुक माई शो स्ट्रीम पे इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज होते हुए देखने वाली है। तो ये थी अभी तक आने वाली कन्फर्म हुई कुछ बड़ी सीरीज एंड मूवीज की अपडेट। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको ऐसी ही नई और इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, जिसके लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना ही बेहतर होता है। टाटा बाय बाय।